कश्मीर दौरे से पहले आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। बैठक में कश्मीर के मौजूदा स्थिति और स्थिति पर हर संभव सुधार के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होकर गृह मंत्री ने कहा, सभी दलों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और कल कश्मीर दौरे के बाद एक बार फिर सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में शामिल हुए सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि हुर्रियत को बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि यह संदेश जाए कि हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक के दौरान शामिल सांसदों को यात्रा की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई। सांसदों को जम्मू कश्मीर की मौजूदा जमीनी हकीकत और विभिन्न पक्षों और लोगों के विचारों के बारे में भी बताया गया। कश्मीर के पिछले 10 सालों के हालात से सभी सदस्यों को रूबरू कराना इस बैठक का अहम एजेंडा था। कश्मीर में एक ही भाषा में बात करने के मामले पर भी बल दिया गया। साथ ही सदस्यों को घाटी में पिछले 10 सालों के लिए विकास योजनाओं और जारी फंड की भरपूर जानकारी दी गई। एक किट भी मुहैया कराई गई, जिसमें कश्मीर से जुड़ी सरकार की उपलब्धियों और तमाम विशेष जानकारियां मौजूद हैं। पाक की ओर से अलगाववादियों को दिए जा रहे समर्थन की भी पूरी जानकारी सदस्यों को दी गई। जहां एक तरफ कश्मीर के जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए सर्वदलीय बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के कुछ हिस्सों से फिर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़पों की तस्वीरें सामने आई हैं। पिछले तकरीबन 2 महीने से कश्मीर में जनजीवन ठप है और कश्मीर की अमन चैन बहाली के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के बाद कश्मीर पर क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।